मुझे सरहद के उस पार से कुछ धमकियां मिल रही हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक मोहतरमा ने मुझे धमकी दी है कि न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान से भाग गई है, चली गई है, उस मैटर में कुछ तुम्हें बोलना पड़ेगा वरना बॉयकॉट कर देंगे हम इंडियन रिएक्शन चैनल्स को। ठीक है, मैं बोलता हूँ पीसीबी गलत है, उसने गलत किया, ये करतूत उसकी है। अगर ये बुलवाना चाहते हो तो ये मैंने बोल दिया है। क्यूट क्यूट धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा। क्यूट अगर ये तरीका है मुझसे कुछ बुलवाने का तो आप गलत हो, और छोटे चैनलों को धमकाना बंद करो, बड़े चैनलों पर जाकर बॉयकॉट करो अगर आपको करना है तो। और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि उनका कुछ नहीं होने वाला। व्यूअर्स जो है वो देखते रहेंगे, हमेशा देखते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बॉयकॉट करके कुछ नहीं कर सकते, हमारा कर सकते हैं। हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं अरसलान नसीर की लेटेस्ट वीडियो पर, जिसका टाइटल है न्यूजीलैंड किसी और के साथ भाग गई। कुछ सिक्योरिटी रीजंस को लेकर न्यूजीलैंड जो है वो वहाँ से चली गई पाकिस्तान से, मैच से पहले बिल्कुल। तो बस मुझे इतना पता है, बाकी हम इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। बोलो पेंसिल, सीरीज हो गई कैंसिल। तालियां होनी चाहिए हमारे कीवी दोस्तों के लिए। मैं कहता हूँ यार ये कोई हरकत है, मतलब दूल्हा जो है वो सेहरा बांध के तैयार होके बैठा। दुल्हन का जो बाप है वो जहेज का सारा प्रेशर ले लेके उसकी उम्र आधी हो चुकी है, पूरा जहेज भी जमा कर लिया। दुल्हन की जो माँ है वो पिछले 30 दिन के अंदर दुल्हन को तैयार कर रही है, उसको सारी घरदारी सिखा रही है, क्योंकि पहले तो उसने कभी सिखाई नहीं थी, अभी अचानक अर्जेंसी में उसको सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा रही हैं। उसकी जो बहनें हैं दुल्हन की और जो कज़न हैं छोटे मोटे, वो पिछले 9 साल से नाच नाच के तैयारी कर रहे हैं, डांस की जवान हो चुके हैं वो अब। और जैसे ही मौका आया रुखसती का तो दुल्हन ही भाग गई। वो कह रहे हैं भाई कि सिक्योरिटी थ्रेट उनको मिल गया। तो यार मुझे बताओ कि सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त पूरी दुनिया में कहाँ पर नहीं है। बाकी तो सब चीज़ों को छोड़ो, सबसे बड़ा थ्रेट तो ये जसूमा जो कोरोना है वो आया भाई। आप घर के अंदर बैठे हुए होते हैं, आप बैठे बैठे पैक हो जाते हैं और ओ भाई जान दे थ्रेट की बात कर रहे हैं ये जो मनहूस लोग हैं। मतलब देखो आप ये चेक करो कि ये जो पूरा मुल्क है ना, इसमें कुछ 14 लोग रहते हैं और पिंडी से छोटा मुल्क है ये, वहाँ पर इतना पैसा भी है इनके पास, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जी, पैसा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी एक बंदा घुस के मस्जिद के अंदर सब लोगों को गोलियां मार देता है, सर के ऊपर उसने कैमरा भी लगाया हुआ है, यूट्यूबर्स की तरह वो पूरी की पूरी जो फुटेज है वो ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो उस वक्त आप लोगों की सिक्योरिटी एजेंसीज किधर गई थी यार? आप लोग भी तो फेल हो गए थे ना, जब इसमें कोई हमला होता है वहाँ पर भी हो सकता है। आपकी टीम को पाकिस्तान से ज़्यादा तो थ्रेट वहाँ पर है। और वो जब क्राइस्ट चर्च के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट टीम को मेरा 10 मिनट की दूरी के ऊपर थी उस मस्जिद से, वो लोग तो नहीं भागे। उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की कि ये सेफ नहीं, यहाँ पे क्रिकेट नहीं होना चाहिए, सब जो है वो रोना शुरू हो गया। हमारे पाकिस्तानी ने वो भी चुप करके रोना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम तो दोनों के दुख में भी ज़्यादा दुखी हो जाते। वो इंग्लैंड में अभी टेस्ट मैच हो रहा है उसके अंदर वो जावो जो है वो पेट नंगा करके, इतना मोटा आदमी जो है वो 3 दफ़ा घुस गया था पिच के बीच के अंदर, तब तो किसी ने बात ही नहीं की थी कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ है। इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच होगी इस किस्म की चीज़ें हमारी लिए रह गई। एक तो वो इतना मोटा गेंडा आदमी, या तो मैं कहूँ ना कि बहुत ही कोई चुस्त किस्म का आदमी जिसको सिक्योरिटी वाले भाग के पकड़ नहीं सकते, इतना आदमी है वो भी 3 दफ़ा भाग के गया और पिच के बीच में पहुंच गया था। ये तो तुम लोग की सिक्योरिटी है, और तुम लोग फिर बात करते हो तो हम यहाँ पे सेफ नहीं है, तुम लोग वहाँ पे कौन से सेफ हो भाई? फिल्में बस इनकी देख लो, फिल्मों के अंदर ये जबरदस्त किस्म के जो नैरेटिव होता है, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग हुई होती है, बेहतरीन तरीके से फिल्माया होता है, वो लग भी ऐसा होता है कि बिल्कुल रियल है, हम वही सब कुछ देख रहे हैं। हॉलीवुड के अंदर हमने ये देख लिया कि पता नहीं अमरीका जो है कितनी बड़ी सुपर पावर है, और हैसियत ये है कि अफगानिस्तान में जो है वो खच्चरों पर बैठ कर उनको भगा के लेके, उसी तरह ये सब कुछ भी हो रहा होता है। यूरोप की भी जितनी फिल्में हैं, न्यूजीलैंड वगैरह जितनी भी गोरे, उन सबकी अपनी फिल्म ही जिसमें हम देख के कह रहे हैं यार बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, बहुत बेहतरीन, तुमने पूरी दुनिया को बचा लिया। नहीं, मुझे तो सिर्फ इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यार अगर नहीं आना था तो इससे पहले भी बहुत सी टीमें जिनको हमने इनवाइट किया, क्योंकि हम तो मांगते हैं, हमने तो बस यही करते रहने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमने इनवाइट किया, वो आगे से मुंह में मेरे जूता मार देते कि नहीं आना, नहीं आते यार। आके ये जो हरकत की है इसके पीछे यार ये मतलब, अगर इसके ऊपर भी आप लोग ये कहें कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो बड़ी बेवकूफ होंगे, क्योंकि मैच से कोई 3 मिनट पहले इस किस्म की हरकतें कर रहे हो यार, कम से कम 24 घंटे पहले कह देते। मुझे तो लग रहा है ये लोग जो ना असल में डर गए हैं मेरे आसिफ अली से। मैं बड़े अरसे से तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि आसिफ अली ने जो है किसी दिन एक ऐसा काम कर देना, ये आज ही उसका वो दिन था, ये आज दिन था जो अभी पोस्टपोन हुआ है, आगे आएगा वो जरूर। मैं भी अपनी बात से जो है ना वो मुकरा नहीं हूँ, लेकिन आज उसने कर दिया, एक दफ़ा तो कर दिया है, उसने कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि पूरी दुनिया जो है ना वो उसे डर जाएगी, और ये यही हुआ है। उस बेचारे ने इतना डरा दिया कि ये लोग भाग गए, आसिफ अली से डरेंगे। अचानक इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिल गया, पता नहीं क्या उन्होंने देख लिया, पिछले पूरे 1 हफ्ते से तुम लोग इधर फिर रहे हो, पूरा हमारा पिंडी इस्लामाबाद बंद हुआ है, यहाँ पे लोग जो है दूसरे को टकरे मारे, गरीबानों से पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, क्योंकि रोड जैम हुए हैं और लोग जो है उनके पारे बिल्कुल हाई हुए हैं, और इनकी वजह से हम जलील होते रहे, ये लोग फिरते रहे इस्लामाबाद पता नहीं क्या पुनिया शूनिया करते रहे, अब जो है इनको अचानक थ्रेट हो गया। उस वक्त तुम लोगों को कोई थ्रेट नहीं था, अभी आराम से फिर रहे थे, वो गपटल छपटल पता नहीं क्या लगे बताओ कि हमारी इतनी कोई प्रोटोकॉल है, 25-25 गाड़ियाँ आगे पीछे फिर रही होती हैं और हम तो यहाँ पर बड़ा सेफ फील कर रहे हैं, और अभी अचानक जो है उनको डर लगना शुरू हो गया, अचानक जवाब लगे तुम लोग को। मैं तो कहता हूँ इनको खाली हाथ ना भेजो, जो हमारा पिम्स हॉस्पिटल है ना वहाँ पर जाके कोई हट्टे कट्टे जो कोरोना के पेशेंट्स ना उनको पकड़ो, उनको भाई इधर वैसे भी इधर काफी हट्टे कट्टे फिर रहे होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से भी,
उनको लेके आओ और उनको कहो कि यार दोस्त बात सुनिए, जो टीम है ना इसको जरा जाके मिल के आ, तीन चार बंदे वहाँ से जमा करो और इन टीम वालों के पास छोड़ दो, वो इनको चूमे चाटे, इनको झपियाँ छपियाँ पप्पियाँ ऐसी किस्म की चीज़ें करें, इनके बीच में जरसूमा जाएगा विद लव फ्रॉम पाकिस्तान, जो है ना इनके जो 14 बंदों वाला मुल्क है ना उसके अंदर जरा जरसूमा तो भेजे ना हम, वहाँ पर उनकी भेड़ों को भी कोरोना लगना, तब इनको पता चलेगा कि कौन सी जगह सेफ है और कौन सी जगह सेफ नहीं, वहाँ से भाग रहे होंगे पाकिस्तान में आ रहे होंगे कि भाई हमें किसी तरह बबल में वापस ले लो। बड़ी इन्होंने अचीवमेंट करी थी, लोग यहाँ पे वाह वाह कर रहे थे कोरोना को भगा दिया, भाई आइलैंड है इतना दूर है, ऊपर से पिंडी से छोटा शहर है भाई, उधर कौन सी बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली थी, इतना दूर है, देखो कोरोना तो फैलते ही लोगों से ना, जो इधर उधर जहाँ पे चहल पहल हो रही होती लोग इधर उधर आना जाना हो रहा था वहीं पे कोरोना आता है, इतना सही आइलैंड है वो भी दुनिया से इतना दूर है, एक सूटेड किस्म का माहौल है, जो तो बतखें भी नहीं जाती है, वो भी कहती है यार इतना उड़ उड़ के जाओ और वहाँ पर जो है इशू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो उधर जाने का फायदा क्या है, तो वहाँ पर तो ऑफकोर्स कोरोना के ऊपर फॉरन कंट्रोल हो जाना चाहिए, तो कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है। ये प्रोटोकॉल की वीडियो इनकी, मैं कोई 10-11 साल जो है ना वो गोरों के बीच में रह के हूँ और बड़ा इनको करीब से मैंने देखा है, इनकी इतनी औकात नहीं है जितनी इनको यहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी मिल रही है, इनकी कभी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी होगी जितनी ये प्लेयर्स देखी है, हमने भी इनको सर के ऊपर चढ़ाया है क्योंकि गोरी चमड़ी की, गोरा कोई भी आ जाए यहाँ पे तो हमारी बांछे इधर से इधर तक खुली भी होती है कि जनाब बस माई बाप आप लोग आ गए, मुझे याद है कि पाकिस्तानी टीम वहां पर गई थी और उस वक्त भी इन्होंने कोई थ्रेट दिया था और हमारी टीम तब गई थी जब कोरोना अरूज के ऊपर था और हमारे बेचारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान हथेली पे रख के गए थे क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए इनके मुल्क के अंदर, वहाँ पर भी उल्टा ये हमें थ्रेट दे रहे थे और हमारे पूरे बोर्ड के अंदर कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं था जो बोल सके कि यार हम भेजते हैं लानत अपने बस्ते उठाओ और निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे साथ खेलते ही नहीं, तुम लोगों को तमीज़ कोई नहीं, उस वक्त हमने बोला नहीं, आज वो इधर भी आए और उन्होंने ये हरकत हमारे साथ भी कर ली कि इस तरह करते हैं ऐसी हरकतें, सारे इनके को 5-6 जो मेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके पूरा PSL खेल के गए हैं, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, पता नहीं यार हम तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम लोग ये भी क्यों भूल जाते हैं कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं, तो यार कोई भेड़े तो नहीं है ना, इंसान ही है जो इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं, आई बॉल्स हैं जिनके पास पैसा भी है, बिजनेसेस भी इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे कि इनको आके हम कुछ ना कुछ बेच ही दें क्योंकि और तो हमारा कोई है नहीं, हमको रूहानियत के तो ऐसे मुकाम पे पहुंचे भी नहीं है, दुनिया में घुसे हैं तो दुनियादारी भी नहीं हम सीख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोकल टूर्नामेंट्स करें यार PSL के ऊपर, मैं जो हर वक्त कब से चीख रहा होता हूँ यार राइवलरी बनाओ टीम्स के बीच में, स्टार्स बनाओ उनके बीच में, फड्डे शड्डे कराओ, ये वो करो, उनको प्रेजेंट करो, उनको सेलिब्रिटीज बनाओ ताकि दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड हो, लोकल चैनल्स होने चाहिए जो इनको कवर करें, हमारा एक वो PTV स्पोर्ट्स है जिसके ऊपर वही 3 बंदे बैठे हुए होते हैं, उन्होंने जो पूरी मोनोपोली बना दी और कोई चैनल को वो ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा बिजनेस हब बनना चाहिए जिसके अंदर हमारी लोकल गेम्स हो, लोकल प्लेयर्स हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए हम मर रहे हैं कि वो इधर आके खेले, हम क्या यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं कराते थे अपने लोगों के बीच में, अगर ब्रांड्स जो हैं वो बीच में इंटरेस्टेड भी होंगे, अमेरिका में यही सब कुछ हो रहा होता है, पता नहीं हम कब ये समझेंगे, वो जी कहते हैं कि जी होटल से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसा करो होटल के अंदर ना वो 1 tip 1 hand वाला क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि सीरीज का कोई जवाब तो मिलना चाहिए ना, जितना बड़ा जबरदस्त हमने किस्म का कप बनाया है ये किसी को तो जाना चाहिए ना, वैसे कप अच्छा है, मुझे कप अच्छा लगा है, बस इसका जो वो लोअर बॉटम पार्ट है उसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, लेकिन ऊपर से गुड जॉब, अब तो वैसे किसी काम का रहा नहीं है, तो मेरा ख्याल में OLX के ऊपर रख लो, कोई हमें से कोई एक बोली छोड़ी लगा लेगा, कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए नहीं, वैसे मैं आप लोगों को सही बात बताऊँ, आप लोगों का मैं मजाक करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये ना मिसबे की बदुआ लग गई हमने, हम सब ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया ना, वो बेचारा खामोश रहता है, मौलवी टाइप का आदमी है, उसी की बदुआ लगी है और ये आज हमें दिन देखना पड़ रहा है, पूरी की पूरी सीरीज ही कैंसिल होगी, उधर विकी भाई भी जो ना टांगे ऊपर करके हंस रहे हैं, यही होता है किसी मासूम का दिल दुखाओगे तो इसी तरह वापस आता है, बड़े कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं तो कहता हूँ होटल के ऊपर से भी ना सिक्योरिटी हटा दो, वो जो इनकी अम्मी है ना जो वहाँ पे बैठ के बयान दे रही है उसको कह के भाई तू अपने बंदे इधर भिजवा दे जो आपकी टीम की जो है ना सिक्योरिटी कर दे, जितनी हमारी सिक्योरिटी पर्सनल इनके होटल के बाहर खड़े हुए ना इनकी तो पूरी फौज के अंदर इतनी नफरी नहीं है, वो कहते हैं जी कि होटल से बाहर जाएंगे तो इनके ऊपर हमला हो जाएगा, नहीं तो ये होटल से बाहर निकलेंगे नहीं तो न्यूजीलैंड किस तरह जाएंगे, होटल के किसी नलके के अंदर घुस के गटर में से होते हुए न्यूजीलैंड से निकलेंगे क्या, ये उस वक्त बाहर ही निकलना, मैं तो कहता हूँ इनको बस छोड़ दो, इनको खुला छोड़ दो, सड़क के ऊपर से कहो जी खुद ही पहुंचो जिस तरह पहुंचना है आपने अपनी सिक्योरिटी करके, वैसे जबरदस्त किस्म की कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, वैसे आपस की बात है क्योंकि इस किस्म की हरकतें जो है ना ये इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी चाल जो कि चल रही है, वैसे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती यार कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही होती है, हम ये कह रहे होते हैं ना कि ये साजिश कर गया वो साजिश कर गया चलाकियाँ कर गई वो, हम कब सीखेंगे चलाकियाँ यार, हमने कब करना है ड्रामा, हम बहुत ही कोई गुग्गू हैं, बहुत ही मासूम हैं, हमने कोई चलाकी नहीं करनी यार, मुझे तो ये देखो मेरे साथ अगर ये हुआ होता ना और मैं किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के ऊपर होता, सुबह से इनको पता चल गया था कि भाई वो खेलने के मूड में नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टर को फोन करने पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं सर खुदा के लिए बात सुनी दो, तो बड़ा अजाब आ गया, फिर उसने उधर फोन किया, फिर वो भी आगे से इनकारी हो गई है, ये सुबह से चल रहा था इनके बीच में, इनको पता था कि हमें खेलना मिलना नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचा रहे हैं, आप सिंपल एक प्लान बी बना रहे थे जिसके अंदर आप बुलाते आजम खान को और आसिफ अली को और ये खुश दिल वगैरह इन सब लोगों को बुलाते, इनको कहते कि बेटा तुम तीनों को हो गया कोरोना,
जैसे ही हम अनाउंस करें तुम लोगों ने माफी मांगनी है कि भाई हमें हो गया कोरोना पॉजिटिव, हम लोग जा रहे हैं आइसोलेशन के अंदर, ताकि कम से कम कोई बिस्ती बच जाती। हम यही अनाउंस कर लेते कि भाई हमारे 3 प्लेयर्स को कोरोना हो गया तो ये मैच तो कैंसिल हुआ, आगे भी देखते हैं सीरीज करनी भी है कि नहीं, क्योंकि 14 दिन के लिए तो वो है, 4 बंदे और हम खुद ही रिपोर्टें बना देते कि हाँ इसको भी पॉजिटिव है, उसको भी पॉजिटिव है, पूरा कैंप को हम पॉजिटिव कर देते, हम कहते सॉरी जी हम तो खेल नहीं सकते, कुछ थोड़ी अपनी फेस सेविंग कर लेते भाई कोरोना का नैरेटिव जो है वो पुश कर लेते, लेकिन नहीं वो भी नहीं हमने करना। बट खैर ऐसी मासूम है बस, पूरी दुनिया ने जो एक तो हमने ऊपर भी चढ़ाना है उनको, ऊपर चढ़ के वो चांडी फेरेंगे ना, बस यूके की रॉयल फैमिली यहाँ पर आके सेफ है, वो क्रिकेट खेल के जा रही है, आधा PSL जो है उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पे खेल के गए हैं वो सेफ हैं, ये पता नहीं बकरियां चराने वाले गोरे जो हैं ये हमारे मुंह पे थूक करके चले गए। नहीं तो मुझे ये बताओ कि ये जो ICC के आए थे सिक्योरिटी वाले जो 2-3 महीने यहाँ पे गुजार के गए, न्यूजीलैंड की भी आई थी सिक्योरिटी वाली जो कि पूरा एनालिसिस करके गए थे, वो क्या करके गए थे, वो कौन सी सिक्योरिटी देके गए थे, वो क्या कमरों की कुंडियां जो है वो चेक करके गए थे, या वो मस्जिद के बाहर बैठ गए थे अपनी चप्पल उतार के देखने के लिए चप्पल चोरी होगा कि नहीं होगा, किस किस्म की सिक्योरिटी इवैल्यूएशन थी वो? आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, अच्छा फिर उसकी डिटेल भी नहीं दे रहे हैं, भाई कौन देगा डिटेल? अगर आपके पास कोई है इस किस्म की जबरदस्त किस्म की इंटेल आ गई है तो हमें बताएं ना यार, हम लोग भी तो फिर थ्रेट में ही रह रहे हैं। जो बंदा जिसने जो है कोई इस किस्म की हरकत करनी थी टीम के साथ, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना शिट यार अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना भाई रिटायरमेंट वो प्लान पूरा करके आया था इधर आके, वो जो है पूरे प्लान के साथ आया हुआ था, वो कहीं और किसी बाजार से यार में जाके फट जाएगा, तो भाई हमें तो बताओ ना, हमें तो बताओ, पता नहीं इंसानी जान की मतलब कोई हैसियत ही नहीं है, सिर्फ जो गोरी चमड़ी उसी की वो है, वही डिटेल्स ही दे रहे, कुछ नहीं बता रहे कि भाई क्या होने वाला है, किस वजह से ये सब कुछ कैंसिल किया, किस लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट था, ऐसे छुपा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई मर्दाना पेचीदा अमराज है जो छुपा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया को थ्रेट है इस किस्म की चीज़ों का, फौरन उसको पब्लिक करो कि किसने आपको क्या बताया कि कौन सा थ्रेट है। खैर वो याद है ना वर्ल्ड कप का फाइनल वो जो सुपर ओवर के अंदर हुआ था जिसके अंदर इंग्लैंड ने कीवी को हरा दिया था, उस वक्त तुम लोग बड़ा रो रहे थे, कीवी जो है वो वर्ल्ड कप हार गए लेकिन हमारा दिल जीत गए, अब आराम आ चुका है आप लोगों को। उस वक्त मैं इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहा था और मुझे लोग लान पान भी कर रहे थे कि नहीं भाई कीवी बहुत अच्छे लोग हैं, ये मुझे लगती ही मीठी छुरी है, मुझे शुरू से ही सरा लगते हैं, वैसे उसके पीछे भी मैंने रीजन दिया था जो कि किसी वीडियो में होगा और वो यही था कि यार इंग्लैंड जीता है ना तो वो क्रिकेट के लिए बेहतर है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंग्लैंड और जो इंग्लिश क्राउड है जो ऑडियंस है जो वहाँ पर इंग्लैंड की आवाम है उसमें इंटरेस्टेड है, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके सेलिब्रिटीज़ को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो क्रिकेट को देखना शुरू कर देंगे उनकी आवाम तो ब्रांड्स उनमें इन्वेस्ट करेंगे। ये न्यूजीलैंड अगर वर्ल्ड कप जीत जाता तो कौन से ब्रांड ने जाकर जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर अपनी ऑपरेशन शुरू कर देने थे या क्रिकेट को स्पॉन्सर करना था, इनकी तो वो भेड़ों की जो ट्रिमर वाले ब्रांड्स हैं उन्होंने कहीं इनको स्पॉन्सर कर लेना था और उनके पास कौन से ब्रांड्स और रोलो तुम लोग इसके लिए भी वो जब जाके लगाओ यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड कप जो है उसकी हाईलाइट्स देखो और चस्के लो उसके। वैसे इंग्लैंड के लिए भी इतना खुश ना हो क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि हम भी बताएंगे भाई कि हमने आना भी है कि नहीं, पता नहीं वहाँ पे न्यूजीलैंड वालों को कौन सा खतरा हो गया था कि वो चले गए और वो भी एक दो दिन में नहीं बनती है कि वो जी हमारे लिए पाकिस्तान से उनकी बड़ी दोस्ती, वो कहेंगे नहीं हम आएंगे ये न्यूजीलैंड को नीचे दिखाने के लिए, उन्होंने कहना था दफा हो जाओ यार हमें क्या फर्क पड़ता है हम अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, वो यूं ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे जाकर वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे आके ख्वार हूँ। खैर जी वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है, वो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, आप लोग ऐसी इसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मुकाम पर पहुंच जाए ना जब आप भी कोई नैरेटिव बनाना शुरू कर दें, यहाँ पे एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए, हम कहते हैं जी दुनिया हमारे इमेज खराब करने के पीछे पड़ी हुई, भाई हम खुद पढ़े हुए अपना इमेज खराब करने के लिए, दुनिया को कोई नहीं पढ़ा, हम लोग खुद ही दूसरे की शलवारें उतारने के लिए बिजी, खुदा के लिए कोई मैसेज दे दो यार, हर किसी की मिनते करना छोड़ दो, खुद बोलो कि हमने नहीं खेलना कीवी के साथ, अगले 5 साल हम नहीं आपके साथ खेलेंगे, बहुत बड़ी कोई टीम है जिसको जी बहुत बड़ा हमें नुकसान हो जाना था, बट एवर मैं दफा करो यार उधर जाके, वैसे हमने जलील होना होता है वहाँ पे तो पिच उसके में कुछ समझ ही नहीं आती कि वहाँ बॉल किधर ऊपर नीचे जा रही है, इधर उन्होंने आना नहीं तो दफा करो। खैर मेरा मीजू जो है ना यार आई लाइक दिस गाय, ये मीजू जो है ना इसने बिल्कुल जो ट्वीट किया ना वो एक यूट्यूबर वाला ट्वीट किया, कोई PCB का चेयरमैन बन के नहीं किया, वो बोला उसने कहा मैं बेटा तुम लोगों से जो ना ICC के अंदर बात करूंगा, ये तुम लोगों ने कुछ सही नहीं किया, वो बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए यार, को थोड़ा आंखें दिखाने वाला बंदा आ जाए यार, खुदा के लिए यार को मतलब हम तो जलील ही हो गए हैं यार पूरी दुनिया के अंदर, पता नहीं क्या क्या वो झुकी हुई मेंटेलिटी हमारी, बस जी सर जी सर खुदा के लिए हमें नौकरी दे दें, खुदा के लिए हमें नौकरी दे दें, ये पता क्यों होता है जब इंसान जो है ना सिर्फ खुशामदियों को ही ऊपर लाता है, जब वहाँ पर हम वो नहीं करते ना इंसाफ नहीं करते, जब हम किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर होते हैं जहाँ हमें पता है कि ये बंदा सही बंदा है और ये खुशामद नहीं कर रहा लेकिन वो काम जानता है अपना और वो बंदा सच्चा बंदा है, हम उसको तरक्की नहीं देंगे, हम उस बंदे को तरक्की दे रहे होंगे जो हमारी खुशामद कर रहा होगा, वहीं पर ही सारा सिस्टम गलत हो जाता है। तो वो ऐसे लोग जब ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, जब मेरिट के ऊपर लोग ऊपर नहीं आ रहे होते तो फिर जब इदारे हैं ना उनके टॉप के ऊपर सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुशामदी होते हैं, वो फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर भी खुशामदी होते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने हमारा सिर्फ मुंह काला और होता है, हम किसी को देखने लायक ही नहीं होते। वैसे एक बात तो कन्फर्म है कि कीवी प्लेयर्स की इस वक्त जो बैजा बैजा बल्ले बल्ले हो रही होगी ना इंडिया के अंदर, वो कह रहे होंगे कीवी हिंद दोस्ती जिंदाबाद, IPL के अंदर इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, मैं सेलिब्रिटीज बन गए, इनको तो बॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो पता है वो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको पता है कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ जो भी आज हुआ है, ये भी अपनी पॉलिटिक्स ये जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें साइड पे करके अगर आप वाकई ट्रू क्रिकेट के फैन हैं और स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं तो फिर आपको पता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, इसके अंदर रीजनल पॉलिटिक्स घुसाने की जरूरत नहीं। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि यार ये सीरीज नहीं हुई, ये जो बैतुल खला किस्म की किट हमने बनाई थी ना खुदाई कसम, मैं तो उसको मैं देखना ही नहीं चाहता था,
मुझे नहीं कोई मेरे में इतना सांस नहीं कि भाई मैं ये जो है ना पूरी सीरीज इनको इस किट के अंदर देखता है। पता नहीं कहाँ से हम चोर यार कुछ डिजाइन चोरी कर लो भाई खुदा के लिए यार, ये इस किस्म का गंद मत बनाओ, पता नहीं कौन अप्रूव कर रहा है यार। फिर कोई नहीं, मेरा ख्याल में अब ये जो हमारे साथ हुआ ना हमारी टीम के साथ, इसका जवाब हमें देना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर जाके। वो गैरत खा लो हमारे प्लेयर्स यार, देखो बात भाई को गैरत खा लो। मैं भी ढीठ हूँ जो पता नहीं फिर उम्मीदें लगा के बैठ गया हूँ, लेकिन मैं भी लगाऊंगा, मैं मरते दम तक उम्मीद अपनी जो है ना वो छोड़ूंगा नहीं। कुछ गैरत खा लो यार, भी वर्ल्ड कप आ रहा ना उसके अंदर पूरी दुनिया को, ये कीवी को तो स्पेशल मैसेज देना है हम लोगों ने, इनके साथ फाइनल खेलो, उनको लताड़ के रख दो, बल्कि सुपर ओवर में ड्रॉ करके इनको हराओ, ताकि इनको दोबारा जो है इनके जख्म जो है उसके अंदर नमक हो सके। बस यार लाइक शेयर करना तो कर लो वीडियो को, मेरा तो आज तो पूरा मूड ही बर्बाद हो गया मेरा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही फास्ट इन्होंने हर एक पॉइंट से, मैं पहले ही बता दूं कि अग्री करता हूं पूरी तरह से, टोटली अग्री करता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई भी बात नहीं कही है इन्होंने इसमें, बहुत स्पीड से बोल देते, वो इनका एक तरीका था शायद गुस्से में या फिर किसी भी तरह से इन्होंने एक फ्लो बांध लिया था, इतनी स्पीड से बोल रहे थे। लेकिन जो भी था इन्होंने एक से एक बात रखी है इन्होंने सामने कि पहले जब तुम आ चुके थे यहाँ पर घूम फिर रहे थे तो क्या ज़रूरत थी, एंड एंड टाइम पर पीछे हटना बिल्कुल बेइज्जती वाली बात है। जब इतने टाइम से रह रहे थे तुम्हें थ्रेट्स मिल रही थी या फिर सिक्योरिटी की कुछ दिक्कत थी तो पहले बोल देते, पहले अपना हाथ पीछे खींच लेते या फिर बता देते सबको कि ऐसे ऐसे मसला है पाकिस्तान में, बता देते तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, कुछ मसले खड़े नहीं होते जो आज हो गए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि आप ग्राउंड पर जाकर तैयार हो गए हो बिल्कुल, तब आप पीछे हट जाते हो यार। सिक्योरिटी की बात इन्होंने कही है, जो चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं, तो शायद ही पाकिस्तान के किसी सेलिब्रिटी या फिर बंदे को इतनी सिक्योरिटी मिलती होगी, क्योंकि वो बाहर के बंदे आए हैं, इतना ज़्यादा वेलकम उनका और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उनके साथ दी गई है पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, आप कुछ ना कुछ ऐसा मतलब, वरना कोई रीज़न आपको इसमें दिखाई नहीं देता है इसके अलावा कि आप पीछे हट रहे हो एंड टाइम पर, पाकिस्तान में रह रहे हो, वहाँ पर घूम रहे हो, बाहर भी जा रहे हो अपने होटल वगैरह जो भी रूम होते हैं इनके, उनसे बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, उस तुम ग्राउंड तक पहुँचते हो फिर पीछे हटते हो। तो ये साफ साफ दिखता है कि इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा था या फिर प्लान्ड था पहले से। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की है इन्होंने, क्लियरली कुछ भी नहीं कहा है, तो हाँ इसमें लगता है कि कुछ प्लान्ड था। आई डोंट नो किसका, कहाँ से, किस तरह से। जाहिर सी बात है हर एक बंदे को पाकिस्तान के जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं क्रिकेट को, उनको बुरा ही लगा होगा, सबको बुरा लगा होगा यार, मुझे भी बुरा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चाहे इसके अलावा कुछ और इमेज बची रहने के लायक तो कुछ काम होता। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।